तो भाइयों, मैं आज पशुपतिनाथ टेम्पल आ गया हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो लाल लाल बिल्डिंग है, फिर ट्रैफिक लगा हुआ नेपाल में। नेपाल का एक सुंदर सा टेंपल दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करवाते हैं। कितना सुंदर वृक्ष है यहाँ पे। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। डॉग विश्राम कर रहा है और देखिए कितनी सुंदर झरना है। ये फाउंटेन या नलका या कुछ भी कह सकते हैं। पहले जमाने में पानी ऐसे आता था। आकृति देखिए कितनी सुंदर है और हर किसी के ऊपर एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना हुआ है। गणेश भगवान, शिव भगवान, इसी तरह पांच डिफरेंट भगवान है यहाँ पर। और ये सामने है पशुपतिनाथ। बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ नेपाल का SBI बैंक भी है। यहाँ आप कबूतरों को दाना खिला सकते हैं।
ये कबूतरों का फीडिंग एरिया है। पशुपतिनाथ के पीछे का इलाका है जहाँ पर एक तरफ चिताएं आती हैं, जलाया जाता है, और जहाँ वो धुआं दिख रहा है वहाँ पे आपको अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो ये लोग छाता लेके खड़े हैं, यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। और अभी सामने जो है शव को नहलाकर फिर वहाँ पे ले जाया जाएगा, अंतिम बात करवाते हैं। ये है पशुपतिनाथ के बैक साइड एरिया, और यहाँ पर मैं अभी मंदिर के अंदर ही बैठा हूँ। शिवलिंग है ये, ये पशुपतिनाथ का कुछ सीन है। आज बहुत ही बारिश हो रही है, बारिश में मैं ये कवरेज कर रहा हूँ आपके लिए। तो नेपाल की जर्नी में पशुपतिनाथ में अभी मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे बारिश की वजह से मैं इस मंदिर में, छोटे से मंदिर में अपनी ओट लिए बैठा हूँ बारिश से। और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी और शाम को यहाँ आरती भी होती है, तो मैं शायद आरती भी देखूँगा, या उससे पहले मैं निकल के कुछ और दिखाऊँगा आपको। पशुपतिनाथ में आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नमस्ते।
तो आज बौद्धनाथ स्तूपा भी आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे तिब्बतन हीलिंग, ये है अद्भुत नज़ारा यहाँ का। ये इसका मेन गेट है, और यहाँ से ये मनोहर दृश्य दिखता है।